वामिरु सालिहात, हर काम को देखकर पीछे ना चल पड़ा करो, काम तो अच्छा है। अरे पहले ये देखो अच्छों के सरदार मोहम्मद करीम ने ये काम किया या नहीं, और इन बेगैरतों का हाल क्या होता है, घर से निकलती हैं तो नकाब करके निकलती हैं, कपड़े वाले की दुकान पे जाती हैं, उसने भी कपड़ा लटकाया हुआ होता है, मर्दों की बेंच इधर है औरतों की इधर है, वो पर्दा खींच देता है कि बड़ी बाहया बाशर्म औरत आकर बैठी है, और ये पर्दे के पीछे बैठते ही फौरन नकाब नीचे करती है, कहते हैं आप बड़े अरसे की बात आई है, जी मैं कुछ मसरूफ थी, ये सूट दिखाइए, ये तो 600 रुपए का है, पहली दफा तो मैं 400 का लेगी थी, अच्छा कोई बात नहीं आप लेट आई हैं ना, बहुत अरसे बाद आई हैं, हम डिस्काउंट देते हैं आप 450 में ले जाएं। वो लाती है और हामिद को गुस्से से कहती, पिछली दफा आप 900 का लेकर आए थे, मैं 450 का लाई हूँ, आपको तो शॉपिंग करनी भी नहीं आती। लेकिन वो नहीं बताती कि मैं उस बेगैरत के सामने अपना चेहरा नंगा करके बैठी थी, मैंने उससे नरम लहजे में लोच में गुफ्तगू की थी, मैंने उसको पुराने गाहक होने के कई बार जिक्र किया था, हम आपके पुराने कस्टमर हैं, अक्सर आपके पास आते रहते हैं, इस सारी बेगैरती पर तू 400 रुपए का डिस्काउंट करवा के आई है, रब्बे मोहम्मद की कसम मवाहिद मोमिन गैरतमंद बंदा 1000 रुपए का खसारा कर सकता है, अपनी बीवी को गैर मर्दों से ऐसे बात करने की इजाजत नहीं देता। إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد हर मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखने वाला उसकी ये ख्वाहिश है कि किसी तरह उसका शुमार निजात पाने वालों में हो जाए। हर कलमा पढ़ने वाला चाहता है कि वो राह निजात का राही बने, उसका मुस्तकबिल रोशन हो जाए, लेकिन आइए सोचिए निजात क्या है, ये राह कौन सी है, और इस राह पर चलने वाला कामयाब कैसे होता है। दुनिया के अंदर अगर आप किसी से पूछें, इंसानों की मेहनतों पे गौर करें, तो वो कामयाब कामरान उसी को समझते हैं जिसकी दुनिया बड़ी अच्छी है, जिसके पास माल की तंगी नहीं, जाहो हशमत की तंगी नहीं, दुनिया के आराइश का सामान मौजूद है, कार कोठी बंगले वाला है, वो कहता है ये बड़ा कामयाब इंसान है, ये बड़ा खुशनसीब इंसान है। अक्सर लोग अपने बच्चों की तरबियत करते हुए दुनिया का इलम सिखाते हुए आला से आला तालीम देते हैं, और उनके जहन में ये तसव्वुर होता है, कोई उनसे कहे आप तो बड़े गरीब आदमी हैं, अपने बेटे को इतने हाई लेवल के स्कूल में क्यों दाखिल किया है, वो जवाब में कहता है जी कोई बात नहीं, रूखी सूखी खा लूंगा, लेकिन बच्चे का मुस्तकबिल बन जाए। वो मुस्तकबिल क्या है कि ये अच्छा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, दुनिया की आला डिग्रियां इसके पास हो, रिजक की इसे कमी ना हो, दुनिया में इसे परेशानी ना हो। अल्लाह की कसम ये निजात पाने वाला नहीं है, ये भले दुनिया की नजर में बड़ा कामयाब है, बड़ा कामरान है, दुनिया के बड़े ओहदे इसके पास हैं, मालो जर इसके पास है, निजात पाने वाला खुशनसीब वो इंसान है जिसने अपनी इस नरम चमड़ी को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश की।
जिसको ये फिक्र ही पैदा ना हुई, जिसके दिल में ये सोच ही पैदा ना हुई कि जिंदगी की ये गाड़ी जो चल रही है इसका इख्तिताम दो स्टेशनों पे होने वाला है, दो में से किसी एक पर मैंने जरूर उतरना है। एक इन जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा, जहन्नम की दहकती हुई आग, खोलता हुआ पानी, बहता हुआ जख्मियों का, जहन्नम के जख्मियों का कच लहू, पीप के प्याले, थोर का दरख्त, एक ये मकाम है। और एक इन लिल मुत्तकीन मफाज़ा, जन्नत की बेहतरीन नेमतें, दूध और शहद की नहरें, शराब की नहरें, जन्नत के मेवे, जन्नत की हूरें, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की मेजबानियां, इन दो में से किसी एक जगह पर मैंने उतरना है। जिसके दिल में ये सोच पैदा नहीं हुई कि मैं कहां जा रहा हूं, ये हमेशा के लिए बर्बाद होने वाले, जो जहन्नम की आग में चले गए, जिनकी गरम नरम प्यारी जिल्दें जहन्नम की आग पे रोस्ट की गई, उनकी चमड़ियां जल गई, मालिक ने नई चमड़ियां जला दी, वो उसके ऊपर चढ़ा दी, उसके अज़ाब को और बढ़ा दिया, ये हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। और जो अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो गए, ये हमेशा के लिए कामयाब हो गए। निजात पाने वाले कौन हैं? आइए अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनिए और फिर मालिक से दुआ है, सबसे पहले अल्लाह कहने वाले को, फिर हर सुनने वाले को गौर करने की तौफीक अता फरमाए। क्या मेरी भी ये सोच है, क्या मेरी भी ये फिक्र है? आइए, सबसे आखिरी इंसान जो निजात पाएगा, और निजात किस चीज से? जहन्नम की आग से। निजात किस चीज से? खोलते हुए पानी से। निजात किस चीज से? थोर के दरख से। निजात किस चीज से? उस जहन्नम से जो जहन्नम खुद अल्लाह के सामने कहती, अल्लाह अल्लाह मेरा बाज मेरे बाज को खा गया, जिसके बारे में इमाम अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी दुनिया की ये आग, दुनिया की ये आग, आग के जले हुए मरीज नहीं देखे आपने कभी? अल्लाह दुनिया और आखिरत की आग से महफूज फरमाए। अस्पतालों में जाइए, जो दुनिया की आग से जल जाते हैं, कभी उनके जिस्मों पे नजर दौड़ाइए, उनके चेहरे कैसे, उनकी जिल्दें कैसी, उनके चमड़े कैसे, उनका लिबास कैसा, उनकी कैफियत कैसी। फरमाया, दुनिया की ये आग जहन्नम की आग का एक हिस्सा है, और जहन्नम की आग इस आग से 69% ज्यादा सख्त है। कामयाब है वो, निजात पा गया वो, जिसको क्यामत के दिन ये आवाज़ सुनाई दे दिया,